Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time, after discussing the characteristics of a leader and the role of leader in social learning, I am going to discuss with you the styles of leadership, or you can say the categories of leadership, or you can say types of leadership, and all. So, बहुत मनोवैज्ञानिकों ने, आपके एजुकेशनिस्ट ने, एजुकेटर्स ने, जानकारों ने, स्पेशलिस्ट ने स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बात की. बहुत तरीके हो सकते हैं, हम खुद भी जानते हैं. हमने देखिए, कोई नेता मतलब अथॉरिटेटिव हो सकता है, कोई डेमोक्रेटिक हो सकता है, कोई डायरेक्टिव हो सकता है, कोई नॉन डायरेक्टिव हो सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं. तो हम कुछ बहुत सारे और थे, लेकिन हमने बस दो तीन तीन ही लिए हैं. आपसे जितना याद हो सके आप याद करिए. आप तीनों याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए और याद कर सकते हैं और याद कर लीजिए. या एक से ही काम चलाना है तो एक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी याद करने की कैपेबिलिटी हो. तो द लीडरशिप स्टडीज कंडक्टेड बाय कर्ट लेविन एंड हिज एसोसिएट्स इन आयोवा यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइड थ्री डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. यानी कर्ट लेविन जब काम कर रहे थे, लीडरशिप पे अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने तीन प्रकार के लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया. कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस्फेयर. देखिए, अगर आप डिसिप्लिन जब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, तब भी यही बताया जाता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस्फेयर. ऑटोक्रेटिक में क्या? डिसिप्लिन में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, आप एकदम डर के सहम के रहिए, भयभीत. डेमोक्रेटिक मतलब ठीक ठीक है, इतना भी आपको अगर गलती हो जाएगी तो इतनी भी डांट नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी थोड़ा डिसिप्लिन रहिए. हमेशा यही मत समझिए कि डांट पड़ेगी है या सजा मिली है, इसलिए चुप रहना. और लेसिस्फेयर में आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा कि जैसा मन करे वैसा घूमिए, इस तरीके का. तब भी अगर आप लेसिस्फेयर में भी डिसिप्लिन रहते हैं, इसका मतलब कि यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन. तो खैर, टीचिंग स्टाइल, सॉरी, लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक क्या होगा कि द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज आल्सो नोन एज अथॉरिटेटिव. इसका इसको अथॉरिटेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोक्रेसी है, आप जो कह रहे हैं वही सही है. और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कह सकते हैं कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करना है. इन विच द ऑटोक्रेटिक लीडर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. यानी इसमें लीडर के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है. An autocratic leader gives orders to his or her subordinates and expects that subordinates should give complete obedience to the order issued. यानी कि अगर आप टीचर के संदर्भ में देखेंगे तो टीचर जो होगा क्लास में जो बोल देगा वही आपको करना है. कोई आप उसमें उफ और इफ एंड बट नहीं कर सकते. इन दिस टाइम द डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर विदाउट कंसल्टिंग अदर्स. इसमें जो नेता है वही सारे निर्णय लेता है, किसी से कंसल्ट नहीं करता है. शिक्षक के रूप में शिक्षक ने खुद, आज एग्जाम है, कल आपको असाइनमेंट देना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपसे पूछेगा, वो सारे निर्णय खुद लेगा. तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हुई. आप इसको टीचिंग लर्निंग के हिसाब से मोल्ड कर लीजिएगा. फिर डेमोक्रेटिक स्टाइल में मतलब बातचीत होगी. दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. देखिए, इसमें जैसे ही डेमोक्रेसी आएगा, पार्टिसिपेशन को आना ही आना है, ग्रुप को आना ही आना है, कम्युनिटी को आना ही आना है. तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप मतलब इसमें बातचीत होगी, विच कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज कंसेंसस. आप लेने की कोशिश होगी, कंसल्ट किया जाएगा, डेमोक्रेटिक होगा. इन दिस स्टाइल द सबॉर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग. क्लासरूम के हिसाब से देखें तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा. ए कंसल्टेटिव लीडर टेक द ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज. जो कंसल्टेटिव लीडर होता है, नेता होता है, वो अपने एम्प्लॉयज, अपने अंदर काम करने वाले वालों की भी राय लेता है बिफोर मेकिंग डिसीजन, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले. एंड ए कंसेंसस लीडर मेक ए डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप मेंबर्स. और केवल ग्रुप मेंबर्स से डिस्कशन के बाद ही निर्णय लिया जाता है. ठीक है. फिर लेसिस्फेयर में बिल्कुल इसमें, जैसा कि नाम से, लेसिस्फेयर का मतलब होता है कि हस्तक्षेप रहित ऐसा कुछ है. द लेसिस्फेयर लीडरशिप इज आल्सो नोन एज फ्री रेन लीडरशिप. हमने छोड़ दिया आपको, वेयर द डिसीजन मेकिंग पावर इज कंप्लीटली लेफ्ट विद द सबॉर्डिनेट्स. मतलब कि बिल्कुल आपको तय करना है. अगर क्लास में देखें तो ठीक है भाई, तय कर लो तुम लोग असाइनमेंट कब जमा करना है, तय कर लो कि तुम लोग किस दिन एग्जाम दोगे. लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कभी तय ही नहीं होगा. इसलिए डेमोक्रेटिक वाला सही रहता है, ना ऑटोक्रेटिक ना लेसिस्फेयर. इन दिस स्टाइल द लीडर्स इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग डिसीजन इज मिनिमाइज्ड. And the people are allowed to make their own decisions. The group members are given complete freedom in setting their own goals and achieving them, which gives them complete autonomy. फिर रेंसिस लिकर्ट ने हमको कुछ और बताए. चार तरीके के, चार तरीके के इन्होंने लीडरशिप की स्टाइल बताई है अपनी किताब में. इन्होंने लिखी फोर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप, और उसमें इन्होंने चार स्टाइल बताई लीडरशिप की. एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, benevolent, authoritative, consultative and participative. इसका मतलब इन्होंने लेसिस्फेयर नहीं बताया. डेमोक्रेटिक को एक तरीके से इन्होंने दो में बांट दिया, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव, और अथॉरिटेटिव को दो में बांट दिया, एक्सप्लॉइटेटिव और benevolent.
तो एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब कि हम आपको तनिक भी वो नहीं देंगे, क्या स्कोप नहीं देंगे, हमने जो कहा वही आपको करना है. इन दिस स्टाइल रादर देन एंगेजिंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग, द लीडर गिव्स डायरेक्शंस टू पीपल. हमने आपको बता दिया ऐसा ऐसा करना है. द लीडर शोज लो कंसर्न फॉर द पीपल, लोगों के सरोकार से हमको कम मतलब होगा यहाँ पे, बट प्लेसेस हाई कंसर्न फॉर द टास्क, और टास्क सबसे ज्यादा होगा कि ये ऐसे 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 करना है, हमको रिजल्ट चाहिए. ओके, देन बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, दिस स्टाइल इज आल्सो नोन एज बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप, वेयर इन द अथॉरिटेटिव लीडर आल्सो प्लेसेस कंसर्न फॉर द पीपल. मतलब इससे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिबरल हो जाएंगे और लोगों के सरोकार से भी थोड़ा मतलब रखेंगे. एज पर दिस स्टाइल, दो द लीडर अलाउज द एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर ओनली. क्यों? क्योंकि आ तो अथॉरिटेटिव में ही रहा है ना, तो डिसीजन तो हम ही लेंगे. एक्सप्लॉयटेटिव में आपके पास बिल्कुल स्कोप नहीं है, बेनेवोलेंट में थोड़ा सा स्कोप है, थोड़ा हम आपकी कंसर्न भी देख लेंगे, इतना है बस. फिर कंसल्टेटिव में क्या है कि लीडर कंसल्ट विद एम्प्लॉयज, मतलब हम आपसे कंसल्टेशन लेके करेंगे कि ऐसा किया जाए, कितना किया जाए, कब चेंज किया जाए, क्या करना है. लीडर शोज जेन्युइन इंटरेस्ट और द आइडियाज शेयर्ड बाय द सबॉर्डिनेट्स, है ना. हम आपसे पूछेंगे आपकी राय को, हम आपकी राय में हमको रुचि है, क्या हो सकता है आपके पास से भी कोई अच्छा पॉइंट आ जाए. और पार्टिसिपेटिव, इसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन ग्रुप मेंबर्स का होगा, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि लूज होता जा रहा है. अथॉरिटेटिव, सॉरी अथॉरिटेटिव, एक मिनट, क्या नाम था, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेरियन में आपसे बिल्कुल राय नहीं ली जाएगी, सब कुछ हमने बताना है. बेनिवोलेंट में हम थोड़ा सा आपसे राय ले लेंगे, लेकिन हम निर्णय खुद ही लेंगे. कंसल्टेटिव में आपसे की राय में हमको रुचि है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अभी भी लीडर के पास ही है. और पार्टिसिपेशन में इक्वल पार्टिसिपेशन है, कंप्लीट पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये बताया लिकर्ट ने. और फिर उसके बाद रॉबर्ट हाउस भी बताते हैं चार तरीके की लीडरशिप बिहेवियर के बारे में. डायरेक्टिव स्टाइल, इसमें डायरेक्टिव लीडर क्लेरिफाइज द फॉलोअर्स ऑफ द रोल एक्सपेक्टेड ऑफ देम, यानी कि आपको बता दिया जाएगा आपकी ये भूमिका है, ये काम है, ऐसे ऐसे करना है बस, ठीक है. और इसमें जो डायरेक्टर का रोल होता है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये यहाँ पर चलेगा. जब आपने ये पढ़ा होगा, जब आपने रोल, तो उसमें बताया जाता है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, है ना. फिर सपोर्टिव स्टाइल में यहाँ पे फ्रेंडली मैनर में काम चलेगा. मेन कंसर्न ऑफ द लीडर इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द फॉलोअर्स रादर देन ऑन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क. यहाँ पे हम इतने सपोर्टिव हैं कि हमारा मेन मुद्दा आपकी नीड का ध्यान रखना है, ना कि काम पूरा होने से इतना विशेष मतलब, काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि इमोशनली सपोर्टिव क्लाइमेट है यहाँ पे. फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल में भी है, इसमें हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिव लीडर इन्वॉल्व्स द फॉलोअर्स इन द कंसल्टेशन प्रोसेस एंड आल्सो गेट्स द सजेशंस और व्यूज ऑफ द फॉलोअर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. और अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल में क्या होगा, अन अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर सेट चैलेंजिंग गोल्स फॉर द फॉलोअर्स. हमने क्या किया, अपने फॉलोअर्स के लिए गोल बना दिया है और उनसे हमारी आशा है कि वो इसको पूरा करेंगे. अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब नाम क्या, अचीवमेंट ओरिएंटेड यानी ओरिएंटेशन हमारा उपलब्धि की ओर है. और इसमें क्या होता है कि जो वेल विद अचीवमेंट ओरिएंटेड टीम मेंबर्स, और ये उन लोगों के संग लीडरशिप अच्छे से काम कर जाती है जो इस तरीके के लोग हों जो वाकई कुछ करना चाहते हैं. अचीवमेंट ओरिएंटेड मेंबर्स भी हैं, तो आप अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल से चलिए कि ये काम है, ऐसे ऐसे पूरा करना है. आई थिंक मैंने इतना ही कवर किया है. यस, और भी बहुत सारे थे लेकिन आप कितना याद करेंगे. तो मोटा मोटा मतलब मान के चलिए कि डायरेक्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, कंसल्टेटिव है, अथॉरिटेटिव है, यही सब है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. तो जिसका आपको अच्छा लगे याद कर लीजिए, सारे याद कर सकते हैं, सारे याद कर लीजिए. ओके, तो अब जाके लीडरशिप भी मैंने आपसे कवर कर लिया. कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मैंने आपसे बात नहीं की. वेल डन फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो आई हैव डन.